आज दे आजाद भारत विच हिंदुस्तान दियां मन्नियां परमन्नियां देश भगत परिवार दियां शख्सियतां दा प्यारा बेटा मेरा भरा भिंद सिंह हुड्डा जी जिहड़े साडे मुख्यमंत्री भी रहे है अज भी ओपोजिशन पार्टी दे लीडर ने और इसे तरह उदय भान सिंह जी जिहड़े बड़ी ही अध्यक्ष ने हरियाणा कांग्रेस के जो तो मैं देख रही हाँ उदो कांग्रेस के परिवार च वाधा ही करते जा रहे हैं। बेटा मेरा दीपिंदर हुड्डा जी और जिस तरीके नाल एक चढ़ता होया सितारा चमक के अगे आ रहा है मैं माण तो गौरव है ये देश भगती का सच्चा खून है जो अगे लेके चलिया। अज आप कट्ठे जिहड़े होए आ ते मैं भी स्पैशल अपने प्रोग्राम से काफ़ी छड़ के आई हाँ निशान सिंह मेरा भरा छोटा बड़ा ही साडा एक परिवारक रिश्ता जिस विच मैं कह सकती हाँ कि उच्चा ते सुच्चा कहनी ते करनी दा और बिल्कुल स्पष्ट साफ रूप दे विच अज साडी कांग्रेस पार्टी शामिल होया है। दिल दियां गहराइयां तो मैं वेलकम कर दियां और धन्यवाद कर दियां। यही नहीं इन्हां दे नाल होर भी बहुत सारियां महान शख्सियतां मैं कल्यां कल्यां दे नाम विच नहीं पवांगी बहुत सारियां महान शख्सियतां साडियां अज कांग्रेस पार्टी दे विच शामिल होईयां ने और साडे इत्थे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस दे अहुदेदार सारे बैठे है जिला परिषदां ब्लाक समितियां दे पिंडां ते शहरां दे। मेरे भरावो हरियाणा ते थोड़ा सारिया दा ते आ जिहड़ी साडी कतार पिछे बैठी ते खड़ी है मैं तां निजी तौर ते भी देना नहीं दे सकती। मैं ठीक एक देश भगत टब्बर च पैदा होई सी पर मेरे कोले मैन पावर दी ते मनी पावर दी हमेशा कमी रही। जे मैं चार पांच बार जित्ती मैं कल्ली नहीं जित्ती तुसी आ बैठे है सारे सारा कुछ छड़ के हरियाणे तो टोलियां दे टोले बना के वर्कर भी रथ यात्रा लेके ऐस मेरी मुहिम में शामिल हो के जिताउंदे रहे हैं तो अड्डा देना कदे दे नहीं सकती। मेरे भरावो थानू हुड्डा जी वर्गे एक बहुत बड़े तजर्बेकार शासनकार मिले है। मैनू याद है एक बार पहली बार जदों अपनी पार्टी हारी है बीजेपी आई है मैं हरियाणे च गई मैं हरियाणे के कई पिंडा विच भी गई उत्थे जाके जो देखिया इन्ना विकास का काम होया वा मैं हैरान रह गई। आ मैं तो सच्ची गल है लोग तो इला कहिंदे आ तां मैं तो देखिया ही नहीं सी पहला तुहाडे हरियाणे च देखिया सी उस वेले आके वो सारा काम होया ते जदों मैं कुछ लोगों ने पूछा कि ये किहदे समय च कहिंदे जी हुड्डा जी दे समय च उन्हां दी सरकार ने कीता मैं क्या फिर भाणा की वरताता क्यों तुसी दूजे नूं मौका दिता कहिंदे जी असी सोचिया कि बदलाव देख लीए ये बदलाव बड़ा माड़ा सी भरावो हथ कन्ना नूं साडे पंजाब च भी बदलाव ने लवाते ते इत्थे भी लवाते हरियाणे दे विच इस करके अज सारा कुछ देखण तो बाद अज फिर हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। आ चोणां जिहदे विच तुसी कम करना है जिते तुहानू जी आया कहने ये चोणां सधारण नहीं मेरे भरावो ये जिंदगी ते मौत हिंदुस्तान की जिंदगी और कुछ लोगों के मकसद पूरे करने जिंदगी ते मौत की लड़ाई है। आ मैं क्योंकि अज लंबा नहीं भाषण करना तो तुहानू जी आया ही कहना है वक्त मिलेगा तो फिर आवांगे लेकिन यही गल मैं कहनी है कि हाथ च है बागडोर देश की मोदी है ना चला रहे बैठे की कहा सी मोदी जी ने 2 करोड़ दू नौकरी नाल की कहा सीगा मैं काला धन वापस लियाऊंगा घर घर नौकरी देऊंगा इन्ने वादे करके जे किसी देश का जां पिंड का मुखिया भी जे देश पिंड का मुखिया कर जावे उहनूं लोक चंगा नहीं समझदे देश का मुखिया करके 15-15 लाख भी कहा सी जेब च पाऊ जेब च हथ मार के देख लो कितें आ ना गया होवे भुलेके नाल गलती नाल ना आ गया होवे इस तरह का जिहड़ा मुखिया इन्ना कोरा झूठ बोलने वाला है
और किस लेवल तक कर गए हैं, मंगलसूत्रा की गल करते हैं, तुसी करते हो मंगलसूत्रा की गल, मंगलसूत्र साढ़े खा पार्टी के जेडे इंदिरा जी तो लैके आ सोनिया जी बैठे है, मंगलसूत्रा की अपनी कुरबानी करके भैणा के मंगलसूत्र बचाए, अज ती उस गल करते हो। थानू की पता मंगलसूत्र होंदा की है, तुझ तो पाया खानी ना पाया खानी घरे सामभ के रखे किसी तथे जो पै, ये भी नहीं पता पाया भी है कितने पै नहीं पै है। इस करके ये नेता जेड़े सानू कहंदे है कि फलानिया नू देश दा जेड़ा हैगा संपत्ति कांग्रेस फलानिया 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 नू देना चाहती है, जाति विच फुटकरा पाउंदे है वितकरा पाउंदे है। मोदी जी असी तां जेड़ी कांग्रेस पार्टी है सारे देशवासियों नू जिवें इंदिरा जी ने कहा सी राजां दे प्रीवी पर्स खत्म ते गरीबां नू बीध काती प्रोग्राम, असी तो देश के सारे लोगों नू देश की संपत्ति देना चाहते हाँ, लेकिन तुसी याद करो झाती मारो लोग इन्ने स्याणे हो गए है, तुसी पांच छी मारनी नानी पता नहीं होर उरला परला की ना जाएगा उन्होंने नाल सारी संपत्ति उन्होंने दे के साडा देश बेचना चाहते हो खत्म करना चाहते हो। अज जनता ने मन बना लिया, सारा साउथ सारी दुनिया सारे वर्ग उठ खड़े हुए ने, जिवें मेरे भरावो तुसी अज नवा ऐसा कहें कि सूरज चढ़े अच, मैं हैरान सी कि बदलबाई जी हो जाती है, ये बदलबाई जी के गड़े अपने विरोधियों से डिगने हैं, मोदी उन्होंने जाके ये गड़े उन्होंने पैने हैं, और कांग्रेस पार्टी के वास्ते खुशी मनाई है रब ने, उन्होंने भी थोनों थप्पड़ा दिता है। तो मैं जिते सारी हरियाणे की लीडरशिप का खास तौर पर मेरा भरा हुड्डा जी, जिस तरीके हुड्डा जी तुसी एन साफ तौर पर पहला थोड़े पिता जी तुसी थोड़ा बेटा देश की ते पार्टी की सेवा करते आए हो और इस तरह के नाल वधिया काम देश करते आए हो। आ सारी टीम जो हरियाणे की साड़ी खड़ी है, मैं ना नहीं लै सकी, खिमा मंगदी हाँ सारे का। इस करके अज आप सारे ने उठ के लगता सानू है कि करती शुरुआत, गढ़ता झंडा मेरे भरावो हरियाणे वालो, हमेशा पहल करते हो। मैनू भी याद है जो असी कैबिनेट च बैठे होंगे उदो कहते होंगे साढ़े कैप्टन मुख्यमंत्री या होर कोई रहे आ फैसला करना है, कहते जी पहले हरियाणे नू देखो हरियाणे ने की किया है, तुसी तो उत्थे झंडे गड्डे वे सी उदों दे ते अज भी झंडे तुसी गड्डने हैं। ऐसी वधिया कांग्रेस की सरकार आके आने वाली जिहड़ी अपनी 15 अगस्त है कांग्रेस पार्टी दे विच झंडा लहराऊगी हिंदुस्तान का, इहदा सेहरा थोड़े ते, थोनू बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत थोड़ी धन्यवाद, जय हिंद। हमारे प्रदेश के बहुत ही सम्मानित सर्वप्रिय लोकप्रिय जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में उपस्थित पंजाब से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बीबी राजेंद्र कौर भट्टल जी, हमारे बहुत ही जुझारू सांसद जो अपना चुनाव छोड़ करके आज की टीम को अपना संदेश देने के लिए यहाँ पर ज्वाइन कराने के लिए सारी टीम के लिए आज अपना चुनाव का कार्यक्रम को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सम्मानित पूर्व स्पीकर श्री अशोक अरोड़ा जी, हमारे बीच में विधायक श्री मेवा सिंह जी, और आज जिन लोगों का जिस तरह से जो समागम आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन्होंने एंट्री की है, हमारे बहुत ही सम्मानित जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुझे भी मेरे साथ भी वो 5 साल विधायक के रूप में रहे, बहुत ही मेरे पुराने मित्र हैं, बहुत हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से सारे विचारों का आदान प्रदान होता रहा, बहुत ही सम्माननीय जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष और आज हमारी पार्टी का जो आज एंट्री की है, जो आज दामन थामा है, बहुत ही सम्माननीय श्री निशान सिंह जी पूर्व विधायक,
हमारे साथी अमीर चंद मक्कड़ जी के पौत्र श्री राहुल मक्कड़ जी, हमारे सम्माननीय सृजन यादव जो श्री रघु यादव जी, अमीर चंद मक्कड़ जी भी हमारे साथ विधायक रहे, रघु यादव जी भी विधायक रहे, उनके सुपुत्र आज सृजन यादव जी हमारी पार्टी में शामिल हुए। और बहुत ही सम्मानित जो जेजेपी से हमारे जो विधायक हैं शाहबाद से, आदरणीय श्री रामकरण काला जी के सुपुत्र सुक्रमपाल जी और करमपाल जी दोनों भाई, एक आज जिला परिषद है, एक पहले जिला परिषद के सदस्य रहे, और आदरणीय हमारे सुरेंद्र लेगा जी, रमेश गोदारा जी, ये भी रमेश गोदारा जी भी आदमपुर से जेजेपी के चुनाव लड़े थे जेजेपी की टिकट पर, और बहुत ही वरिष्ठ नेता और सारे पदाधिकारी सुरेंद्र लेगा जी भी, और उनके साथ जो साथी जो शामिल हुए हैं, सभी का नाम ना लेते हुए आज बहुत भारी संख्या में सरपंच साहिबान, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समिति के सदस्य और पूरे प्रदेश भर से, यहाँ शाहबाद से, हांसी से, फतेहाबाद से, आदमपुर से, टोहाना की तो बहुत बड़ी हाजिरी यहाँ पर मैं देख ही रहा हूँ, और दूसरे भी कई कोने कोने से हमारे रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी संख्या में आज जो यहाँ पर हमें पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पार्टी की तरफ से, और आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरी तरह से पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा, यथाउचित स्थान मिलेगा, संगठन में भी और जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर पूरी तरह से पार्टी में आपको हर तरह से आपको सम्मान देने का काम किया जाएगा। आज आप संघर्ष के समय में कांग्रेस के साथी बने हैं, आज समय सारे देश में जिस तरह से एक तानाशाह राज कर रहा है, और जिस तरह से आज सारे देश की जो लोकतांत्रिक जो संवैधानिक जो संस्थाएं थी जिनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जो इस भारत देश के संविधान को बदलने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसे लोगों की सरकार को इस देश से और प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों ने हमारा साथ संघर्ष में दिया है, आप सबका मैं बहुत बहुत मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और आज हम सबको इस सरकार को हरियाणा से हमें उखाड़ करके फेंकना है, सारे देश से उखाड़ करके फेंकना है, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, कोई अपनी उपलब्धि के नाम से कोई वोट नहीं मांगता, केवल देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करके हिंदू और धर्म के नाम से, मुसलमान के नाम से मजहबी जनून पैदा करके ये वोट हासिल करते हैं, अपने काम के लिए वोट नहीं मांगते। जिस तरह से बहन जी हमारी भट्टल जी ने जो जिस तरह से कहा, अपनी उपलब्धि कोई नहीं है कि जिसके ऊपर ये नाम ये वोट मांगे 10 साल के लिए, तो जहां भी ये जाते हैं वोट मांगने के लिए, आज हरियाणा में स्थिति यह है कि इनको गांवों में इलाके में जाने में भी परेशानी हो रही है। उसका कारण यह है कि जब ये लोग जाते हैं तो लोग पूछते हैं, सबसे पहले जब एंट्री करते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक क्यों है, वो पूछते हैं कि महंगाई में नंबर एक क्यों है, वो पूछते हैं कि हमारे रास्तों में कील कांटे क्यों बिछाए, क्यों द्रोणों से हमला किया गया, 750 किसानों ने क्यों बलिदान देना पड़ा, क्यों हमारे महिला पहलवानों के साथ में इस तरह का बर्ताव हुआ, यह अग्निवीर योजना हमारे नौजवानों के साथ किस तरह से फौज के साथ धोखा देने का काम किया, 33 बार पर्चे लीक हुए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र जो जारी किया है उससे पूरी तरह से ये बौखलाए हुए हैं, प्रधानमंत्री अनाप शनाप बातें करते हैं क्यों, और मैं इस बात में तो एक तरह से धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने
जो हमारे घोषणा पत्र को, न्याय पत्र को जो मुस्लिम लीग से जोड़ने का, जिस तरह से उसमें हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, वो एक जिज्ञासा बनी देश के अंदर। और आज लगभग 56 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है हमारे न्याय पत्र को, चुनाव घोषणा पत्र को, और वो आगे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र को पढ़ लेगा, जो उनके जो 5 न्याय, जो 25 गारंटी हैं, चाहे वो युवा न्याय है, चाहे वो महिला न्याय है, नारी न्याय, चाहे वो भागीदारी का है, चाहे वो किसान का है, चाहे वो श्रमिक का है, जो उन गारंटियों को पढ़ लेगा, वो एक भी वोट बीजेपी को देने का काम नहीं करेगा। सारा एक तरफा गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 के 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत करके बीजेपी का सुपड़ा साफ करने को जारी है। उसमें आप सबका पूरा सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद हमें मिलेगा, और मिल करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने बड़े विस्तार से आज के जो माहौल है, जो पार्टी के प्रति एक झूठा प्रचार देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी। आज हमारे बीच यमुनानगर जिले के और विशेष रूप से रदौर हल्के के 16 मौजूदा सरपंच, 6 एक्स सरपंच, 1 ब्लॉक समिति के मेंबर और 7 अन्य रिस्पेक्टेड पर्सन, वो भी पार्टी में शामिल हुए। सैनी साहब उनके नाम अभी आपको बताएंगे। इसके साथ ही इंद्रजीत भारद्वाज जी, जिला प्रधान कर्मचारी प्रकोष्ठ यमुनानगर, वो भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैनी साहब अभी नाम पढ़ेंगे और उसके बाद हुड्डा साहब बोलेंगे, फिर पटके बाद में आप फोटो भी खिंचा लेंगे, प्रधान जी कर लेंगे, तो आप नाम अभी पढ़ोगे, बाद मैं बुला रहा। तो मेरा अनुरोध है हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, कि वो भी आए, जहां कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दे, वहां आज जो पार्टी में लोग शामिल हुए उनका भी स्वागत करें। आदरणीय हुड्डा साहब, पंजाब के जो है महान स्वतंत्रता सेनानी परिवार की बेटी, मेरी बहन राजेंद्र कुमार भट्टल जी, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी, पूर्व स्पीकर हमारे वरिष्ठ साथी अशोक अरोड़ा जी, अजीज दीपेंद्र जी सांसद, और अपने पूर्व विधायक व पूर्व जेजेपी के अध्यक्ष निशान सिंह जी, मकर परिवार के जो अपना राहुल है, सुरेंद्र है वो, और अपना सज्जन यादव, और सुक्रम पाल जो रामकरण काला के लड़के हैं वो परिवार, रमेश गुदारा व सभी साथी जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वह उपस्थित मेरे पत्रकार बंधुओं व साथियों, बातें तो सारी मेरे से पहले बोलने वाले अच्छी तफसील में बता दी, कोई भी बात मैं रिपीट करने वाला नहीं, लेकिन आज ये साफ संकेत है कि जिस प्रकार से कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है हरियाणा में, एक और इंडिया ब्लॉक को जो जन समर्थन मिल रहा है, वो साफ संकेत है कि हरियाणा में तो आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की हो। मैं बीच में बदलाव बैठा रहे, बात सुनो, कांग्रेस की सरकार होगी, लेकिन उससे पहले हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन है,
और लक्ष्य सबका एक है, पूरे इंडिया ब्लॉक अलायंस का, कि आज जिस प्रकार से हो रहा है देश में, हमारा संविधान के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है, और संविधान नहीं बचा तो देश का भी बहुत नुकसान होगा, प्रजातंत्र का नुकसान होगा, क्योंकि प्रजातंत्र ये जो दिया है उन लोगों ने, संविधान निर्माते थे जो सदस्य थे, संविधान के निर्माता मुख्य तौर पे सब स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें देखा अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और जब ये संविधान दिया। और जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा का 2014 में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर एक का प्रदेश था, आज किस चीज़ में नंबर एक हो गया है 10 साल में इनकी सरकार में? आज बेरोजगारी में नंबर एक, महंगाई में नंबर एक, अपराध में आप देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और खेल और खिलाड़ियों का तो प्रसिद्धि आप देख रहे हैं, हमारी महिला पहलवान जो दुनिया में जहाँ नाम कमाया, किस तरह सड़कों पे उनको बैठना पड़ा दिल्ली में, तो आज हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ गया। और कोई भी मैनिफेस्टो में जो इन्होंने वादा किया को वादा पूरा नहीं किया था। हमने तो जैसे कहा है, इन्होंने अध्यक्ष जी ने बताया 5 वो दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में, और हरियाणा में भी हमने वायदा कर रखा है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे ओल्ड बुढ़ापा पेंशन हो, 6,000 रुपये की, 100-100 गज के प्लॉट हमने कितने दिए, 4 लाख के करीब दिए, इन्हें एक नहीं दिया, ना गरीब आदमी और किसान का आज बुरा हाल है, जो फसल भी मिले, तो आप कोई भी वर्ग आज इससे संतुष्ट नहीं है। हाँ, बिजली फ्री देने की बात है और सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात, इस प्रकार बहुत सारी बातें हमारी सरकार आएगी तो, लेकिन उससे पहले तो पार्लियामेंट का चुनाव है, पार्लियामेंट में भी जो किए हैं 5 अधिकार वो आपको मालूम है, वो हर वर्ग को, चाहे वो युवा है, महिला है, और सब वर्ग जो है, गरीब हैं, दलित हैं, उनके लिए है। तो ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टो जो आया है, ये हर वर्ग के लिए आया है। तो आज हमारा सबका फर्ज यही बनता है, और मैं इसी वास्ते धन्यवाद करता हूँ निशान जी का और जितने साथी आज शामिल हुए, वो सही समय पे आए और सही लड़ाई में तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कोई कंडीशन कोई रख के नहीं आया, ये आए हैं देश के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, संविधान के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और आगे देश का और प्रदेश का विकास करने के लिए आज साथी आए हैं। इन सब का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं पार्टी में, और जिस उम्मीद और आशा से ये आए हैं, इनको पूरी जो है इनको मान सम्मान और पार्टी में स्थान मिलेगा, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी होगी। और आप सबका बहुत बहुत फिर से मेरा बहुत स्वागत, और आप सब हैं, हाँ आप सबका भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और पत्रकार साथियों का भी बहुत देर से बैठे हो हैं, हम और मेरी तरफ बार बार देख रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो, हमने कोशिश की है जल्दी से जल्दी करने की, पर तुम खबर लिखने में जल्दी मत करना भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद।